हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, आज जो चीज मैं आपके सामने रिव्यू और अनबॉक्स करने वाला हूँ वो काफी यूज आने वाली है। जी हाँ, 12 महीने यूज आने वाला प्रोडक्ट है बाय बोंजोर। बोंजोर एक ट्रस्टेड ब्रांड है और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली मेड इन इंडिया ही वो लॉन्च करता है। बोंजोर का गैलेक्सी के नाम से आता है, जिसमें आप हॉट एंड कूल दोनों डाल सकते हैं। जी हाँ, चाहे सर्दियों में आपने गर्म पानी डालना हो या गर्मियों में ठंडा पानी डालना हो, उसके लिए प्रोडक्ट बिल्कुल बेस्ट है। काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसमें ठंडे का ठंडा और गर्म का गर्म रहने वाला है। इस तरीके से प्रोडक्ट है, इस तरीके से इसका आउटर बॉक्स है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, बोंजोर थर्मोस्टील पफ इंसुलेटेड गैलेक्सी के नाम से ये आता है, जिसमें कि अलग अलग साइजेस आते हैं। मैंने आज इसमें दो साइज सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। एक है गैलेक्सी वाटर जग एंड टी कैन 6 लीटर, एंड जो दूसरे वाला है वो है गैलेक्सी 12 लीटर। अब इसे मैं अनबॉक्स करता हूं और आपको इसके रिव्यू और इसके बारे में बताता हूं। इस तरीके से पैकिंग है, नॉर्मल पैकिंग है। कंपनी ने कोई थर्माकोल या कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि कुछ इसमें कोई फ्रेजाइल आइटम नहीं है। ये स्टील की आइटम है, इतनी रफ टफ होती है, कोई टूटने का चांस इसमें नहीं रहता है, शायद इसलिए इसका ये हम यहाँ रख देते हैं। वाओ, देखने में काफी सुंदर है और काफी अट्रैक्टिव है जो प्रोडक्ट है। इसका बॉक्स हम इधर रख देते हैं। इस तरीके से देखने में जो क्वालिटी है, जो स्टील की इसकी क्वालिटी यूज की हुई है कंपनी ने, वो देखने में काफी अच्छी और काफी काबिले तारीफ लग रही है। इस तरीके से ऊपर हैंडल है, आप इजीली उसे कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और नीचे भी कंपनी ने जो है नीचे बूट्स दिए हैं, 3 बूट्स हैं इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और उसे आप ऐसे इस तरीके से रख सकते हैं। इन बूट्स का क्या एडवांटेज रहता है? जी हाँ, जब बूट्स लग जाते हैं, ताकि आपने अगर ग्लास फिल करना है तो आप जस्ट ग्लास नीचे रखिए और वो फिल कर सकते हैं। इस तरीके से टैप है इसका, कोई चूड़ी वाला टैप नहीं है। पहले क्या था, चूड़ी वाले टैप्स आते थे। जी हाँ, वो खराब होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनी ने उसी को रिप्लेस करके अपग्रेड किया है और ये पुश एंड पुल वाला जो है टैप इसमें लॉन्च किया है कंपनी ने। इस तरीके से देखने में बोंजोर का जो ये प्रोडक्ट है अपने आप में ही काफी सुंदर और काफी अट्रैक्टिव है, उसी के साथ साथ काफी यूजफुल भी है। इस तरीके से मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। वाओ, देखने में काफी सुंदर है अंदर से। इस तरीके से पूरा का पूरा स्टील में है ये अंदर से भी जो है। अब इसकी जो एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज है, मैं आपको वो बताता हूँ। जनरली क्या होता है, जो जग्स आते हैं स्टील के, वो डबल उसमें होते हैं। जी हाँ, उसकी पेस्टिंग अलग होती है, उसमें ज्वाइंट विजिबल होता है। इसमें क्या है, कंपनी ने ज्वाइंटलेस किया है। जो इनर इसके अंदर का जो स्टील है वो ज्वाइंटलेस है, उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। जैसे कि आप इसमें चाय भी अगर डाल रहे हैं तो उसका कुछ गंद वगैरह फंसेगा नहीं और वो इजिली क्लीन हो जाएगा और बढ़िया से आप उसे यूज कर सकेंगे। इस तरीके से पूरा ज्वाइंटलेस अंदर से इनर स्टील है। उसी के साथ साथ बोंजोर ने इसमें अपने जो और भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी कैटलॉग कंपनी ने प्रोवाइड कराई है, जैसे कि इसकी बॉटल्स आती हैं, कैसरोल आते हैं, थर्मोवेयर प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड मैनी मोर्स। अब इनकी क्लीनिंग रेंज भी आ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, छोटी सी प्यारी सी कैटलॉग है जो इस प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने दी है। उसी के साथ साथ ढक्कन भी जो है पीयू वाला है, इंसुलेटेड ढक्कन है, इंसुलेटेड ये फ्लास्क है इस तरीके से जो है। मैं अब आपको ढक्कन बंद करके दिखाता हूँ। ढक्कन लगाना भी इसका काफी इजी है, काफी इजीली लग जाने वाला है, और ये इसका 6 नंबर वाला साइज है। जी हाँ, कंपनी ने जो मेंशन किया है मॉडल 6 सुपर, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें 6 लीटर आएगा। जी हाँ, 6 लीटर के अप्रोक्स आएगा। अगर मैं नीचे बात करूं, कंपनी ने मेंशन किया है मॉडल गैलेक्सी कैपेसिटी 5 लीटर अप्रोक्स। जी हाँ, 6 लीटर से अंडर साइज है जो इसमें कैपेसिटी आने वाली है। उसी के साथ साथ अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं, तो इसका जो प्राइस कंपनी ने मेंशन किया है एमआरपी जो है 1480। जी हाँ, 1480 इसकी एमआरपी है इस तरीके से। और अगर आप उसमें डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप काफी अच्छा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो ये बड़े वाला है, जी हाँ, जिसका मॉडल नंबर है गैलेक्सी 12 सुपर, इसका अगर मैं एमआरपी की बात करूं, प्राइसिंग की बात करूं, तो 2175। जी हाँ, 2175 उसकी एमआरपी है, उसमें भी काफी अच्छा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। और उसमें अगर कैपेसिटी की बात करूं तो 10 लीटर अप्रोक्स, जी हाँ, 10 लीटर के अप्रोक्स उसमें जो है पानी या कोई भी बेवरेज उसमें आ जाने वाला है। अगर ये वाला भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि साइज का आपको आइडिया लग जाए कौन सा कितना बड़ा है। देखने में जो ये प्रोडक्ट है ना, चाहे आपने कुछ भी डालना हो वो काफी अच्छा रहने वाला है। इस तरीके से ये बड़े वाला है। वाओ, अपने आप में इसकी जो क्वालिटी कंपनी ने प्रोवाइड कराई है ना अपने कस्टमर के लिए, वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ है। जी हाँ, इस तरीके से इसके भी स्टैंड्स हैं, वो ऐसे लग जाने वाला है।
अब आपको आइडिया लग रहा होगा ये 5 लीटर अप्रोक्स है, ये 10 लीटर के अप्रोक्स है। जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ रख देते हैं इस तरीके से। अब जो कंपनी ने बॉक्स में मेंशन किया है, मैं आपको वो भी आपको एक बार हाईलाइट करा देता हूँ। हॉट एंड कोल्ड है जो आप डाल ही सकते हैं, उसी के साथ साथ केयर योर गैलेक्सी, जी हाँ, आप इसकी कैसे केयर कर सकते हैं और किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्लीन आफ्टर एवरी यूज, जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं उसके बाद, हर यूज के बाद अच्छे से उसे क्लीन कर लीजिए फॉर गुड रिजल्ट। उसी के साथ साथ डू नॉट इमर्ज इन वॉटर, जी हाँ, कभी भी जैसे जो इसका लिड है जो कंपनी ने मेंशन किया है, लिड या ये जो जग है उसको डायरेक्ट आपने पानी के अंदर डाल के छोड़ना नहीं है। जस्ट आप उसे वॉश करिए, उसके बाद ड्राई कर लीजिए उस चीज को, क्योंकि ये पीयू फॉर्म वाला होता है। अगर आप इसे पानी के अंदर छोड़ देंगे तो वो फूल जाएगा और वो फिर खराब हो जाएगा, तो कंपनी ने पहले ही मेंशन किया है कि ऐसा ना करिए आप। उसी के साथ साथ वाइप टू क्लीन विथ स्पॉन्ज एंड माइल्ड सॉफ्ट वाटर, जी हाँ, आप सॉफ्ट वाटर से इसे जो है साफ कर सकते हैं, माइल्ड वाटर से इसे साफ कर सकते हैं। हाई ब्लीच वगैरह नहीं लगाने की कोई जरूरत, तो उससे आप नहीं यूज करेंगे। उसी के साथ साथ क्लीन थ्रूली इनर साइड्स एंड बॉटम, जब भी आप इसको साफ कर रहे हैं नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट है उसे अच्छे से धो लीजिए। उसका क्या वो है मैं आपको बताता हूँ, वाइप विथ ड्राई क्लोथ एंड ड्राई टू अवॉइड स्टेन, जी हाँ, हमेशा जब भी आप वॉश कर रहे हैं गीला सूखे कपड़े से साफ करिए, उसके बाद एंड में ड्राई क्लोथ से आप नीचे से उसका जो बॉटम है साफ कर लीजिए अच्छे से। उससे क्या होगा, कभी भी इसमें स्टेन नहीं आएंगे, स्केल्स के निशान नहीं आएंगे और सेडिमेंट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जी हाँ, सेडिमेंट फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे जब हम इसमें चाय के लिए यूज कर रहे हैं या पानी के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है नीचे कुछ बैक्टीरिया या कुछ डर्ट्स पार्टिकल रह जाते हैं बॉटम में जग के। अगर आप उसे ड्राई क्लोथ से साफ करेंगे तो वो कभी भी उसमें वो डस्ट पार्टिकल जो है रहेगा नहीं और वो इजिली साफ हो जाएगा। जी हाँ, ये इसका मतलब होता है। डू नॉट ओपन लिड फ्रिक्वेंटली ऑन फिलिंग गैलेक्सी विद टी कॉफी टू प्रिजर्व ओरिजिनल एरोमा एंड टेस्ट टू लास्ट कप, जी हाँ, इसका क्या मतलब है मैं आपको वो समझा देता हूँ। जब भी आप गरम इसमें चाय डाल रहे हैं या कॉफी डाल रहे हैं तो आप बार बार इसका ढक्कन ओपन मत करिए। जी हाँ, कभी भी चेक मत करिए कि कितनी रह गई या कितनी नहीं। उससे क्या होगा, अगर आप बार बार इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो अंदर जो चाय है या कॉफी है उसका टेस्ट चेंज होने का चांस रहेगा। जी हाँ, उसमें जो पहले कप में जो टेस्ट था वो लास्ट कप में वो टेस्ट फिर बरकरार नहीं रहेगा। यही अगर इसका आप ढक्कन बंद रखेंगे तो उसका लास्ट कप तक भी जो टेस्ट है वो करार रहेगा, ऐसा कंपनी कहती है और ऐसा इसमें रहने भी वाला है। उसी के साथ साथ इसमें काफी सारे साइजेस आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जी हाँ, टोटल 7 साइजेस इसमें आ जाने वाले हैं। ऊपर स्क्रीन में आपका आ भी रहा होगा कितने साइज आते हैं, मैंने मेंशन किया है, आप उसमें भी हैव अ लुक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जी हाँ, ऐसा जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कंपनी ने मेंशन किया है। काफी इकोनॉमिकल है, मल्टीपर्पज यूजेज है इसके, वाटर जग एंड टी एंड कॉफी वेंडिंग है ये इस तरीके से। इनर एंड आउटर विद फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, जो स्टील इसमें यूज किया गया है वो फूड ग्रेड है, तो आप यूज कर सकते हैं उसे इजिली और बढ़िया तरीके से। ये इस पूरे जग के बारे में सारे इसके अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यू थे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट या मेल करके जरूर बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो बिल्कुल अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं बहुत अच्छा हैवी डिस्काउंट। इसी के साथ साथ अगर आप किसी और चीज की अनबॉक्सिंग या रिव्यूइंग चाहें तो प्लीज मुझे कमेंट या मेल करके जरूर बताइए, ताकि वो भी मैं आप लोगों के लिए कर सकूं। एंड अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.